हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, ये सूरन है और जिमीकंद भी बोलते हैं, सूरन भी बोलते हैं। तो ये ले लिया है मैंने इतना सा। अब मैं इसको काट लेती हूँ दो भागों में। तो इसको मैं पनीर के जैसे तला के बनाऊंगी, तेल में उबालती नहीं हूँ। और ये मैंने दो भागों में काट लिया है और अब मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करूंगी और फिर इसका छिलका उतारूंगी। ये देखो, तो इस तरीके से मैं काट रही हूँ और इसको भी मैं ऐसे ही काट लेती हूँ। तो मैंने धुल कर रखा था और धुलूंगी छिलका उतारने के बाद। तो मैंने काट लिया है और इसका मैं उतार लेती हूँ छिलका पतला पतला। देखो, इस तरीके से मैं छिलके को उतारूंगी। तो ये खाने के लिए, अपनी सेहत के लिए अच्छा रहता है, पेट भी इससे साफ होता है, खाएंगे तो और फायदा भी करता है। एक बार इसको जरूर खाना चाहिए साल में। हमारे तो घर का है तो हमने अपने घर का खोदा है और घर का निकाल के और बना रही हूँ। बाजार में भी ये मिलता है। दोस्तों देखो, मैंने छिलका उतार लिया। अब मैं इसको धुल लेती हूँ। तो धुलने के लिए मैं भगोनी में डाल लेती हूँ इसको। दोस्तों मैंने भगोनी में डाल लिया है, अब इनको मैं धुल लेती हूँ एक एक से, अच्छे साफ पानी से। तो ये देखो, मैं धुल रही हूँ और इस तरीके से पूरे इनको पूरे धुल लिए हैं मैंने। तो इसको मैं एक साइड कर देती हूँ और इधर ये मैंने धुल लिए है। तो ये मैंने धो लिए और धो के हुई मैं फिर, और इनको मैं देखो ऐसे ऐसे टुकड़ों में और काटती हूँ, छोटे छोटे में, पतले पतले ऐसे काटूंगी। ये मैंने ऐसे काट लिया और इसको मैं पनीर जैसे और काटती हूँ। इसके मैं देखो, मैंने इतने इतने लंबे लंबे टुकड़े कर लिए। अभी मैं इनको मैं और छोटे छोटे टुकड़ों में पनीर जैसे काट लेती हूँ। तो ज़्यादा बड़े नहीं काटूंगी। तो इतने बड़े बड़े काटूंगी मैं, ये देखो पनीर जैसे। तो मैं तला के बनाऊंगी इनको पनीर जैसे, पनीर को तलाते हैं जैसे। तो पूरे इनको मैं इस तरीके से काट लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने ये पनीर जैसे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं इसको तलाऊंगी तेल में, फिर इसकी बनाऊंगी मैं सब्जी। तो दोस्तों मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे और मैं तेल डाल देती हूँ इसको तलाने के लिए। तो मैं ज़्यादा सा तेल डालूंगी, इतना सा मैंने तेल डाला है। और अब इस तेल को होने देती हूँ मैं गरम, जब तक मैं मसाला बना लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने ये मसाला बना के रख लिया और ये पेस्ट बनाया। इसमें लहसुन, प्याज, अदरक और टमाटर और ये हरी मिर्ची मैंने काट के रख ली है। तो अभी जब तक मैं इसको तलाती हूँ, इसको एक तरफ रख देती हूँ उठा के। तो दोस्तों हमारा तेल गर्म हो चुका है और मैं इस सूरन को, सूरन भी बोलते हैं जिमीकंद, मैं इसको तलाने के लिए इसमें छोड़ती हूँ। तो इसमें तलाती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा तलाऊंगी, एकदम ज़्यादा नहीं। तो इतने से मैंने डाले हैं और इनको मैं पहले तेल में एकदम लाल कलर आ जाएगा जब निकालूंगी। पनीर जैसे पीस है। देखो ऐसे कलर में, गोल्डन कलर में मैंने तला लिए हैं ये पूरे, और इनको भी मैं निकाल लेती हूँ। तो मैंने पूरे तला के रख लिए हैं इसमें।
सब्जी बनाऊंगी मैं, और इसके आगे पनीर भी फैल हो जाती है, अच्छी लगती है इसकी सब्जी। तो दोस्तों हमारा तेल गर्म हो चुका है, और तेल में डाल देती हूँ मैं तेज पत्ता। ये देखो तेज पत्ता है, तो मैंने तेज पत्ता डाल दिया, और डालती हूँ मैं जीरा। और अब डालती हूँ मैं हरी मिर्ची, हरी मिर्ची को थोड़ी देर भूनने देती हूँ। हरी मिर्ची हमारी भून गई है, और ये मैंने पेस्ट बना के रखा था, मैं पेस्ट को इसमें डाल देती हूँ छोड़ के। ये पेस्ट को मैं थोड़ी देर भूनने देती हूँ। तो दोस्तों हमारा देखो ये भून रहा है, जब तक मैं इसमें मसाला डाल देती हूँ। तो सबसे पहले डालूंगी मैं हल्दी, मैंने हल्दी डाल दी है। अब डालूंगी मैं लाल मिर्ची, तो मैं लाल मिर्ची भी डाल दी है, और डालती हूँ मैं नमक। स्वाद अनुसार तो इतना सा मैंने नमक डाला है, मैं मसाले को इसमें मिला लेती हूँ। तो दोस्तों हमारा मसाला भुन चुका है, तो अब मैं इसको डाल देती हूँ सूरन को इसमें। ये मैंने तला के रखा था, इसको मैं अच्छे से इसमें मिला लेती हूँ मसाले में। तो ये देखो मैंने मसाले में मिला लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी पानी। तो दोस्तों अब डालती हूँ मैं इसमें पानी। तो मैंने इतना सा पानी डाल दिया है, अब मैं इसको कम से कम 20 मिनट तक और पकाने के लिए रखती हूँ। तो ढक के नहीं रख देती हूँ इसको। तो दोस्तों हमारी 20 मिनट हो गई है, 25 मिनट तो मैं अपनी सब्जी को देख लेती हूँ। तो हमारी सब्जी पक के तैयार हो गई है। तो ये देखो सब्जी हमारी पनीर जैसी दिख रही है एकदम। मैं अब इसको उतार लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने सब्जी उतार ली है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डाल देती हूँ। तो स्वाद के लिए मैंने मैगी मसाला डाल दिया है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।